साथियों, डॉक्टर तरुण कोठारी की ओर से वंदे मातरम। जैसा कि मैंने आपको बताया था, वैक्सीन के नाम पर सर्टिफिकेशन वो अब शुरू हो चुका है, उसकी गाइडलाइंस आ चुकी है सारी, क्या होगा कैसे होगा। मैंने आपको काफी टाइम से बता रहा हूं, अब इन लोगों ने बताया कि QR कोड सर्टिफिकेट मिलेगा, यानी कि जो जो व्यक्ति वैक्सीन लगवा देगा उसको एक डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा, QR कोड सर्टिफिकेट, जो उसके स्क्रीन पे जो क्वांटम टैटू लगेगा उसके अंदर एक डिजिटल QR कोड लगेगा। ये ऑफिशियल चीज बता रहा हूं मैं आपको, जो पूरे सिस्टम पे जो नाम दिया गया EVIN, इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क नाम दिया है इसका। और साथ में जो वैक्सीन लगवा देंगे उनका ट्रैकिंग होगा, ऑफिशियल बात है, सरकार की ओर से घोषणा की गई है, ये उनके पत्र बता रहा हूं मैं आपको। ट्रैकिंग होगा, एक एक आदमी की हर चीज ट्रैक होगी, सारी हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री तो चलो ठीक है, मेडिकल हिस्ट्री के अलावा बाकी सारी हिस्ट्री भी आपकी चेक होगी, वो ट्रैक होगी, आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री भी चेक होगी और आपकी अदर एक्टिविटीज जितनी भी हो रही है वो सारी की सारी एक्टिविटीज को ट्रैक किया जाएगा। तो जिस प्रकार से आप बात समझ लीजिए, वैक्सीन नहीं है, इम्यूनिटी पासपोर्ट के नाम से एक प्रकार का है, जिसने वो वैक्सीन है उसको पासपोर्ट है। किस चीज का पासपोर्ट है? काम करने का, लीगल, आपने वो सर्टिफिकेट है आपके पास में, तथाकथित वैक्सीन, वैक्सीन नहीं है, तथाकथित वैक्सीन सर्टिफिकेट है, वो अगर आपके पास में है तो ही आप काम कर सकते, तो ही आप नौकरी भी जा सकते हैं। ये डिजिटल आईडी जो बात चल रही थी, id2020.org, आप चेक कर सकते हैं id2020.org, जहां लिखा हुआ है कि दुनिया के प्रत्येक नागरिक को डिजिटल आईडी देना है। ये कोई कोरोना महामारी नहीं है, ये महामारी के नाम पर आपको डिजिटल आईडी देने का तरीका है। वैसे अगर आपको देते तो आप शायद नहीं लेते, तो आपको मजबूर करने के लिए आप कैसे सर्टिफिकेट ले, कैसे वो आईडी ले, ये सारा गेम रचा गया है, ये सारा षड्यंत्र खेला गया है। जिनके पास होगा जिनके पास नहीं होगा, दोनों के अंदर डिस्क्रिमिनेशन होगा, समाज के अंदर, देश के अंदर, राज्य के अंदर दो तरह के लोग हो जाएंगे, जिनके पास डिजिटल सर्टिफिकेट वैक्सीन सर्टिफिकेट है और जिनके पास वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं है। जो होगा उनको विशेष सुविधाएं होगी, तो नहीं होगा उसको भी आदमी को मजबूरी में वो सर्टिफिकेट लेना ही पड़ेगा। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की थी कि हेल्थ आईडी की, वो कुछ नहीं है, वो यही है, वो इसी षड्यंत्र का एक हिस्सा है। आप विश्वास करें या ना करें ये आपके ऊपर है, आप मेरी बात पर विश्वास करना चाहे नहीं करना चाहे आपके ऊपर है, परंतु सत्य एक ही है और सत्य यह है कि हमारे देश के कर्णधार, हमारे देश के विशेष विशिष्ट लोग इस षड्यंत्र में शामिल है। इस बात को आप नोट कर लें। यह बात जो मैं पहले से कह रहा हूं, अब काफी लोगों को विश्वास हो गया है और जिनको नहीं हो रहा है उनको भी हो जाएगा। 61% लोगों ने टीका लगवाने से मना कर दिया, 61% लोगों ने कहा कि हम लोग टीका नहीं लगवाएंगे। ये भी हमारी अब तक की बड़ी अच्छी उपलब्धि है, लेकिन इसको 100% तक ले जाना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं जाग चुका हूं मैं बच जाऊंगा, तो जागने वाला तो बचेगा, परंतु जो जगाएगा अपने आस पड़ोस के लोगों को जगाएगा, जागृत करेगा, वो बच सकता है। क्योंकि यदि आपके घर में, अभी अभी बात आई कि न्यूजीलैंड में 500 मिलिट्री फोर्सेस लगा दी गई है, जो किसके लिए गई है, जो वैक्सीन नहीं लगवाना चाहता है उनको क्वारंटाइन कैंप नाम दिया गया है, क्वारंटाइन कैंप, उनको कैंप में डाला जा रहा है, यानी कि आप वैक्सीन लगवाने से मना करेंगे तो आपको पकड़ करके कैंप में ले जाएंगे, वहां डाल देंगे। तो उसके लिए आपको अपने आस पड़ोस को, लोगों को जगाना बहुत जरूरी है। जब उनको आप जगा लेंगे तब जाकर के एक सामूहिक ताकत बनेगी, तब बचेंगे। आप अकेले जागेंगे तो शायद इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। नीता अंबानी जी का एक ट्वीट आया था कि उन्होंने कहा था कि भारत के प्रत्येक नागरिक को वैक्सीन सर्टिफिकेट देने के लिए हम तैयार हैं। बात समझ रहे हैं, ये ट्वीट 2 महीने पुराना है, यानी कि इन लोगों की तैयारी बहुत पहले से चल रही है। अभी आप लोगों के सामने नेशनल हेल्थ मिशन
का ये आपके पास मैं लेटर आपको दे रहा हूँ, थोड़ा सा प्रिंट आउट अच्छा नहीं आया इसका, लेकिन मेरे पास है, किसी को जी मैं भिजवा दूंगा। नेशनल हेल्थ मिशन जो है 20 नवंबर 2020 का एक सर्कुलर है हरियाणा सरकार का, और ये सर्कुलर क्या कहता है, सर्कुलर नंबर आपको बता देता हूँ, नंबर है 8020/3881-3902 20 अक्टूबर 2020। नेशनल हेल्थ मिशन रिगार्डिंग गाइडलाइंस फॉर द हेल्थ केयर वर्कर्स डेटाबेस फॉर कोविड-19 वैक्सीनेशन। कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए हेल्थ केयर वर्कर्स का डेटाबेस तैयार करना है। बात आगे समझ में, जो हेल्थ केयर वर्कर है उनको भी हम ये बात समझा रहे हैं 8 महीने 9 महीने, मैं डॉक्टर हूं मैं फिर समझा रहा हूं उन लोगों को, समझिए जागिए, सबसे पहले आपका नुकसान होने वाला है, आपको ये फ्रंट लाइन वॉरियर्स के माध्यम से सबसे पहले आपको ही पकड़ेंगे, सबसे पहले आपकी ओर से विरोध होना चाहिए, हम तो कर रहे हैं और आप भी इसका विरोध कीजिए। साथियों, इस फर्जी कोरोना महामारी के खिलाफ पूरी दुनिया में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जर्मनी में हुआ, इटली में हुआ, फ्रांस में हुआ, यूके में हुआ, अमेरिका में।